हेलो बच्चों, वेलकम टू सरताज क्लासेस। आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का अक्सर पूछे जाने वाला 10th क्लास में सवाल। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, अब मैं एन बाई टू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन बाई टू इंटू एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे मैंने टू से टू कैंसिल आउट किया तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन ए प्लस, ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू डी माइनस एन बाई टू डी। तो ये लिख लेंगे हम एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई टू इंटू डी प्लस, ये हो जाएगा बच्चा लोग एन ए माइनस एन बाई टू इंटू डी। तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है एस एन इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ इसको डी बाई टू इंटू एन स्क्वायर, डी बाई टू इंटू एन स्क्वायर। यहाँ से मैंने n कॉमन लिया तो यह आ जाएगा बेटा a माइनस डी बाई टू। तो मेरे कहने का ये मकसद है यहाँ पर कि जब कभी भी आप सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता है इन द टर्म ऑफ n। या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन की फॉर्म में होता है, बी एन की फॉर्म में होता है, हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो एन स्क्वायर का कोफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बच्चों, डी बाई टू है। क्या है बच्चा लोग, डी बाई टू है। तो मैं डी सीधा सीधा कह सकता हूँ कि टू इंटू कोफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि अगर सम ऑफ एन टर्म्स ए एन स्क्वायर प्लस बी एन की फॉर्म में है तो हम ये कह सकते हैं डी जो है वो टू इंटू कोफिशेंट ऑफ एन स्क्वायर होता है। हम डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे बच्चों। अगर आपके सामने कोई ये कह देता एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन है जो सम ऑफ एन टर्म्स है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, तो इसका आंसर आप चुटकी में कह सकते हैं। आप कहेंगे सर डी की वैल्यू जो है वो दुगुना हो जाएगा कोफिशेंट ऑफ एन स्क्वायर जो वन के बराबर है। तो मेरा है सीधा सीधा आंसर आ जाएगा टू। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन की फॉर्म में होता है जहाँ पर डी जो है वो हमेशा डबल होता है कोफिशेंट ऑफ एन स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एक दो सवाल हम करने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा देखिए, वो आपसे कह रहा है कि इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एस एन इज इक्वल टू थ्री एन स्क्वायर प्लस फोर एन है देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनथ टर्म एंड एन ए पी। तो देखिए बेटा, किसी भी एक जब आप एनथ टर्म कैलकुलेट करेंगे तो ए एन किसके बराबर होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे किसी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एनथ टर्म कैलकुलेट करना है तो मुझे पहला टर्म मालूम होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो सर ये कहाँ से कैलकुलेट होगा, तो देखिए एस एन इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है, थ्री एन स्क्वायर प्लस फोर एन के इक्वल है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब सम ऑफ एन टर्म्स एन स्क्वायर प्लस बी एन की फॉर्म में होगा तो कॉमन डिफरेंस सीधा सीधा होगा टू इंटू कोफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर। तो मेरे बच्चों यहाँ पर डी जो है कितना हो जाएगा, टू इंटू थ्री, तो डी की वैल्यू हो जाएगी सीधी सीधी सिक्स आ जाएगी। तो डी कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, सीधा सीधा सिक्स आ जाएगा। अब मुझे पहला टर्म कहाँ से मालूम करना है, तो देखिए बेटा यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म दे रखा है थ्री एन स्क्वायर प्लस फोर एन, तो मुझे पहला टर्म निकालना है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा एन की जगह वन पुट कर देता हूँ
तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1, तो ये हो जाएगा S1 बराबर 3 + 4, या S1 का मतलब 7, S1 मतलब पहला टर्म, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म या सम ऑफ पहला टर्म एक ही बात होती है बच्चों, तो इसका मतलब A बराबर हो जाएगा 7। तो मुझे क्या मालूम हो गया, कॉमन डिफरेंस, और मुझे क्या मालूम हो गया, पहला टर्म्स। तो अब मैं नेट टर्म कैलकुलेट कर सकता हूँ। आप कहेंगे जी सर, An बराबर A प्लस एन माइनस 1 × D, तो A की वैल्यू यहाँ पर है 7 प्लस D है यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 × 6, तो ये आ जाएगा बच्चों An इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6, तो An इज इक्वल टू हो जाएगा 6n प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि AP भी बताइए सर, तो AP निकालना तो बहुत ही आसान हो गया सर, अब n की जगह 1 पुट कर दीजिए, 6 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा 7, आप 2 पुट कर दीजिए, 6 × 2 + 1 का मतलब हो जाएगा 12 + 1 बराबर हो जाएगा 13। अब आप A3 कैलकुलेट कर सकते हैं, A3 बराबर हो जाएगा 6 × 3 + 1, ये हो जाएगा बच्चों 18 + 1 बराबर 19, और इस तरीके से मेरे पास एक AP फॉर्म हो जाएगी, और वो क्या आएगा उसका आंसर, AP आ जाएगा 7, दूसरा आएगा बेटा 13, तीसरा आएगा बेटा 19, नेक्स्ट आएगा आपके पास 25, और इस तरीके से मेरे पास एक AP बन जाएगी। तो ये अक्सर 10th क्लास में सवाल पूछा जाता है कि जब सम ऑफ एन टर्म आपको दे दिया जाता है तो आपसे nth टर्म पूछा जाएगा और आपसे AP पूछी जाएगी, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म an स्क्वायर प्लस bn की फॉर्म में होता है, तो D हमेशा क्या होता है, डबल होता है किसका, n स्क्वायर के कोफिशेंट का। चलिए बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं इस पर। कह रहा इफ द सम ऑफ एन टर्म्स, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP -n² + 2n, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द nth टर्म एंड 20th टर्म। तो nth टर्म आप कहेंगे सर an का मतलब a प्लस एन माइनस 1 × D। अब मैं d कैसे निकालूं सर, तो मैंने आपसे कहा Sn इज इक्वल टू -n² + 2n, d का मतलब हो जाएगा डबल कॉफिशेंट ऑफ एन स्क्वायर, मतलब 2 × कॉफिशेंट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों -2। अब सर फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जाए, n की जगह 1 पुट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा -1² + 2n, तो ये आ जाएगा S1 बराबर 2 × 1, तो -1 + 2, S1 बराबर 1, या A बराबर S1, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, 1 आ जाएगी। तो जब आपको D मालूम हो गया और आपको क्या मालूम हो गया A, तो हम an कैलकुलेट कर सकते हैं, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 × D, ए है मेरे पास 1 प्लस एन माइनस 1 × D है मेरे बच्चों मेरे पास -2, तो हो जाएगा 1 − 2n + 2, ये सीधा सीधा हो जाएगा माइनस का 2n + 3, तो an इज इक्वल टू -2n + 3, ये आ गया मेरे पास nth टर्म है। कितना आसान कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चा लोग, तो an बराबर आ गया -2n + 3। अब वो आपसे कह रहा है इसका 20th टर्म बता दीजिए, बहुत ही आसान हो गई सर ये तो कहानी। इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, 20th टर्म, तो n की जगह हम सीधा सीधा 20 पुट कर देंगे, a20 बराबर -2 × 20 + 3, तो a20 बराबर यह आ जाएगा -40 + 3, या a20 बराबर -37, कितना आ जाएगा -37। तो इस तरीके से मैं इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ जब भी मेरे पास सम ऑफ एन टर्म दे रखा हो an² + bn की फॉर्म में, तो n² का जो कॉफिशेंट होगा मेरे बच्चों वो क्या होगा, हमेशा d का मतलब डबल ऑफ कॉफिशेंट ऑफ n² चलिए बेटा।
एस एन आपको दे रखा है बेटा, एस एन दे रखा है आपको एन, फोर एन प्लस वन। अब तो बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए ये चीज़। एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर फोर एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूँगा डी, तो आप कहेंगे सर डी तो अब सीधा सीधा टू इंटू फोर हो जाएगा तो एट आ जाएगा। मैं आपसे कहूँगा ए, आप कहो ए का मतलब एस वन, तो ये आ जाएगा फोर इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन, तो ए बराबर हो जाएगा फोर प्लस वन का मतलब हो जाएगा फाइव, तो ए मेरे पास आ जाएगा फाइव, ए कितना आ जाएगा फाइव, और डी है मेरे पास एट, डी है मेरे पास एट। तो मुझे क्या निकालना है? ए पी। तो ए पी हम कैसे निकालते हैं बच्चा लोग? ए पी लिखते हैं ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। अरे यही तो होती है बच्चा लोग ए पी। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? फाइव। कितनी है बच्चा? फाइव। अगला टर्म कितना आ जाएगा मेरे पास है? एट डी, तो ये आ जाएगा थर्टीन। अगला हो जाएगा ट्वेंटी वन, आ जाएगा ट्वेंटी नाइन, थर्टी सेवन। तो इस तरीके से मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके सर जी, चलिए सर आगे चलते हैं। देखिए बेटा, इसका एक लॉजिक और होता है कि जब सम ऑफ एन टर्म्स में बात करता हूँ, देखिए बच्चा लोग, अगर एस एन मेरे पास ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री है प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन, तो यहां से लेके यहां तक मैं बात कर रहा हूं सम ऑफ एन टर्म्स की। ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन, अगर मैं इस वाले टर्म को मेरे बच्चा लोग छोड़ देता हूं तो ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये सम ऑफ एन माइनस वन टर्म का सम है, ये यहां से लेके यहां तक एन माइनस वन टर्म का सम है। तो बच्चा लोग मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एस एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन माइनस ए एन, तो मैं लिख सकता हूं ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, एस एन माइनस ये भी एक कमाल का रिजल्ट होता है बच्चा लोग, आपको जरूर ये पढ़ के जाना है क्लास टेंथ के जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे कि जब सम ऑफ एन टर्म्स आपको गिविन है तो मेरे बच्चे ए एन किसके इक्वल है? एस एन माइनस एस एन माइनस वन। जब मुझे सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा हो और मुझे एन एट टर्म कैलकुलेट करना हो तो मैं इस प्रोसेस से भी जा सकता हूँ, मैं इस मेथड से भी जा सकता हूँ, ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन। देखिए बच्चा लोग, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इफ एस एन बराबर एन स्क्वायर है देन फाइंड आउट द टर्म, फाइंड आउट द एन एट टर्म एंड एन ए पी, किसी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म जो है एस एन बराबर एन स्क्वायर है, तो मुझे इसका एन एट टर्म कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है मेरे बच्चा लोग? एन एट टर्म। तो ए एन इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया अभी आपको, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो मुझे एस एन माइनस वन कैलकुलेट करना है। तो बच्चों एस एन माइनस वन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? उसके लिए एस एन गिविन है, एस एन बराबर एन स्क्वायर, जहां जहां एन था वहां वहां एन माइनस वन पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब मुझे कैलकुलेट करना है ए एन, तो ए एन का मतलब एस एन माइनस एस एन माइनस वन, तो यह आ जाएगा बच्चा लोग ए एन इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास? एन स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, यह है एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, अब यह आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, तो ए एन इजिकल टू कितना आ जाएगा?
एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू एन, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए एन कितना आ जाएगा बच्चों लोग, टू एन माइनस वन। तो मैं इस मेथड कब इस्तेमाल कर सकता हूँ, जब कभी भी सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा हो तो मैं एन टर्म कैलकुलेट कर सकता हूँ, ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस मेथड। देखिए बच्चा लोग कहता है इफ द सम ऑफ एन एम टर्म इज इक्वल टू फोर एम स्क्वायर प्लस टू एम देन फाइंड आउट द पी एट टर्म। यहां पर दे रखा है सम ऑफ एम टर्म्स, तो आपसे ये कह रहा है कि एस एम जो है फोर एम स्क्वायर प्लस टू एम है, तो मुझे पी एट टर्म कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान सवाल है, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एमएथ टर्म। क्या कैलकुलेट करना होगा आपको, एमएथ टर्म। ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा एस एम माइनस वन। अब मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है एस एम माइनस वन, फोर एम माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू एम माइनस एन, तो यह आ जाएगा बच्चा लोग फोर एम स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू एम, यह आ जाएगा टू एम माइनस टू, तो यह हो जाएगा फोर एम स्क्वायर प्लस फोर एन माइनस एट एम प्लस टू एम माइनस टू, तो ये मेरे पास आ जाएगा फोर एम स्क्वायर, यह आ जाएगा बेटा माइनस का सिक्स एम और ये बचेगा टू। तो मैंने क्या कैलकुलेट किया, एस एम माइनस वन कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। अब मुझे निकालना है एन एट टर्म, तो यह आ जाएगा ए एन सॉरी एम एट टर्म, तो ए एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस एन माइनस एस एम माइनस एस एम माइनस वन, तो यह आएगा मेरे पास फोर एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस, यह आएगा फोर एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम प्लस का टू। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो फोर एम स्क्वायर प्लस का टू एम माइनस का फोर एम स्क्वायर प्लस का सिक्स एम माइनस का टू, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा बच्चा लोग एट एम, मतलब ए एम इज इक्वल टू एट एम माइनस टू। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चा, एमएथ टर्म आ गया। क्या आ गया बच्चा लोग, एमएथ टर्म। वो आपसे कह रहा पीएथ टर्म निकालिए, तो जहाँ जहाँ एम है वहाँ वहाँ मैं पी पू कर दूंगा, तो ए पी बराबर कितना आ जाएगा, एट पी माइनस टू। सवाल ख़त्म हो गया भाई, तो इसका पी एट टर्म कितना आ जाएगा, एट पी माइनस टू। तो बच्चा किसी भी एक सम ऑफ एन टर्म्स को सॉल्व करने के, मैंने आपसे कहा अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन की फॉर्म में है तो मैं ए एन कैलकुलेट कर सकता हूँ एस एन माइनस वन, और हम एस एन बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन की फॉर्म में होता है बच्चा लोग, तो कॉमन डिफरेंस हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो सबसे पहले आपसे बताया गया कि डबल होता है किसका, कोफिशेंट ऑफ एन स्क्वायर का। तो चलिए बेटे आज का यहीं पे हम ख़त्म करते हैं वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा।